हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी अड्डे में। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें चाहिए गाजर। मैंने यहाँ पे गाजर को कद्दूकस कर लिया हुआ, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, फ्रेंड्स घी गर्म हो गया। इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे हम। इसे हम कुछ देर तक भूनेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें मैंने डाला है 1 कप दूध। फ्रेंड्स, इसे हम कुछ देर तक पकाएंगे अच्छे से, 5 मिनट तक धीमी आंच पे। फ्रेंड्स, जब तक गाजर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे कुछ देर तक पकाएंगे हम। फ्रेंड्स, गाजर सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम मावा डाल देंगे। ये लगभग 50 ग्राम है। आप मावा की जगह मिल्क पाउडर या खोए की बर्फी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे तरह मेल्ट कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इसे कम से कम हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। फ्रेंड्स, मावा एक अच्छे से मिल गया। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। मैंने छोटा कप यूज़ किया है, लगभग 1 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे नारियल पाउडर, पिसा हुआ नारियल है ये, किशमिश। लगभग 1 मिनट और हम पकाएंगे इसे हम अच्छे से। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया। ये देखिए, इसको ऊपर से शाइनिंग भी होने लगी है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम गार्निशिंग कर देंगे, सजा देंगे। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, ये काजू और बादाम है। फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी एंड डिलीशियस गाजर का हलवा बन के तैयार है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।